मसीह यीशु के अजीम बाबरकत जलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदा उनकी सलामती हो। मैं बाबरी मैनुअल अपने कैंप नामैन तारिक प्यारा के साथ आपको वेलकम करता हूं पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी में। पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के जो मौजूदा जनरल सेक्रेटरी हैं पादरी अज़हर मुश्ताक साहब, आज हम उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और जानेंगे बाइबल सोसाइटी के क्याम के मकसद के हवाले से और जितनी भी इनकी खिदमात हैं अराउंड द वर्ल्ड उनके बारे में इनसे मालूमात हासिल करेंगे। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं नेशनल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। मुझे बहुत खुशी है कि आज आपने हमें दावत दी कि हम सारा ये म्यूज़ियम और बाइबल सोसाइटी की हिस्ट्री के बारे में आपसे जान सकें। बहुत शुक्रिया। हम भी आप सबको और नेशनल न्यूज़ को और ख़ास तौर पर तमाम देखने वालों को पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी की तरफ से खुश आमदीद कहते हैं और खुदावंद के शुक्र गुज़ार हैं इस बात के लिए कि खुदा ने आज मुमकिन किया कि आप लोग हमारे दरमियान आ सकें। बाइबल सोसाइटी की जो तारीख है उसके हवाले से हमारे नाज़रीन को आप बताइए। ओके, बाइबल सोसाइटीज़ की अगर हम तारीख की बात करें तो जो पहली बाइबल सोसाइटी है ब्रिटिश एंड फॉरेन बाइबल सोसाइटी 1804 में उसका क़याम हुआ और उसके पीछे एक खूबसूरत हमें जो इंस्पिरेशन है वो नज़र आती है और वो उस बच्ची की है, मैरी जोन्स की, जिसने 9 साल की उम्र से अपने अंदर इस शौक़ को रखते हुए कि वो अपनी बाइबल लेना चाहती है, उसने 9 साल की उम्र से उसके लिए पैसे इकट्ठे करना शुरू किए और तकरीबन 6 साल जो है उसने इसके लिए जो है वो पैसे इकट्ठे किए और फिर वो 26 मील का सफ़र पैदल तय करके अपने साथ के कस्बे में गई ताकि वो कलाम मुकद्दस के जो नुस्खे को अपने लिए ले सके और वहाँ पर खुदा के जिस खादिम से उसने उसको लिया उसने उसकी कहानी जो है वो लंदन में मिशनरीज़ की एक मीटिंग में बताई और वहाँ पर बहुत से लोगों ने कहा कि अच्छा हम वेल्स शहर के लिए और ज़्यादा बाइबल जो है वो प्रिंट करेंगे, लेकिन खुदा के खादिम ने कहा कि इफ़ फॉर वेल्स वाई नॉट फॉर द होल वर्ल्ड, अगर हम वेल्स शहर के लिए करेंगे तो क्यों ना हम सारी दुनिया के लिए करें। और फिर पहली बाइबल सोसाइटी ब्रिटिश एंड फॉरेन बाइबल सोसाइटी जो है वो 1804 में वजूद में आई और फिर उसके बाद हम देखते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर बाइबल सोसाइटीज़ का क़्याम हुआ। पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी जो है ये सबसे पहले 1863 में ब्रिटिश एंड फॉरेन बाइबल सोसाइटी की ऑक्सिलरी के तौर पर जो है वो कायम हुई और इन सारे सालों में इस तौर से काम करती रही और 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद जो है ये पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी कहलाई और पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी जो है वो अपनी खिदमत को इस तौर से जारी रखे हुए है। ख़ास बाइबल सोसाइटीज़ दुनिया में जितनी भी तमाम बाइबल सोसाइटीज़ हैं और पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का भी ख़ास बुनियादी मकसद ये है कि कलाम मुकद्दस का तर्जुमा लोगों की मुकामी ज़ुबान में किया जाए और फिर उनको उन तक मुनासिब दामों में पहुँचाया जाए ताकि लोग जो हैं वो खुदा के कलाम को अपनी ज़ुबान में पढ़ सकें और खुदा के कलाम से बरकत हासिल कर सकें। बाइबल सोसाइटी का जो मेन मकसद है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंजील मुकद्दस बाइबल मुकद्दस की अशात को लोगों तक पहुँचाया जाए। तो पाकिस्तान में आया अभी जैसे सुबह सिंध है, सुबह बलूचिस्तान और दूसरे सूबे हैं, उनकी मादरी ज़बान में भी आपने इसको प्रिंट किया है, तर्जमा किया है इनका? जी, हम बहुत सारी ज़ुबानों पर काम कर रहे हैं। खुदा का शुक्र है कि पिछले साल हमने पश्तो ज़ुबान में जो है पूरी बाइबल मुकद्दस का जो तर्जमा है उसको हमने लॉन्च किया और हम उसके लिए खुदावंद के शुक्रगुजार हैं, उन तमाम लोगों के लिए भी जिन्हें खुदा ने इस्तेमाल किया ताकि इस ज़ुबान में तर्जमा हो सके। इसके अलावा सिंधी ज़ुबान में भी तर्जमा हो चुका है और उस पर हम काम कर रहे हैं, तर्जमा मुकम्मल हो गया है लेकिन उस पर कुछ और काम है वो हम कर रहे हैं और सराइकी ज़ुबान में हम काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ ज़ुबानों में जो है वो कलाम मुकद्दस के तर्जमे पर जो है वो हम काम कर रहे हैं और हम इसके लिए उन तमाम तर लोगों के लिए शुक्रगुजार हैं जो इसमें हमारे किसी भी तौर से मावन और मददगार हैं।
جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو یہ اوریجنل ٹیکسٹ جو ہے عبرانی یونانی وہاں سے آپ کرتے ہیں یا مطلب اردو سے آپ ٹرانسلیشن کرتے ہیں؟ نہیں، بائبل مقدس کا ترجمہ جو ہے وہ کسی بھی زبان میں جب کیا جاتا ہے تو وہ اوریجنل جو اس کی اصلی زبان ہے عبرانی اور یونانی زبان، ہم اس زبان سے اس کا ترجمہ جو ہے وہ کرتے ہیں کسی بھی زبان میں کیا جائے۔ دوسرے جو نسخہ جات ہیں مطلب اردو میں اگر موجود ہے ہمارے پاس بائبل، انگلش میں ہمارے پاس بائبل ہے، تو وہ مددگار کے طور پر استعمال ہوتی ہے، لیکن ترجمہ جو ہے وہ اصل زبان سے کیا جاتا ہے۔ جی بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے بہت مفید معلومات ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں۔ میں دل کی تہ گہرائیوں سے آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ تھینک یو سو مچ بابر بھائی، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، اور خاص طور پر ایک بار پھر نیشنل نیوز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ اچھا اور بہتر اور مناسب جانا کہ وہ بائبل سوسائٹی میں ہمارے ساتھ آج شامل ہوں، اور خاص طور پر پاکستان بائبل سوسائٹی کے بارے میں لوگوں تک زیادہ سے زیادہ باتیں جو ہے وہ پہنچا سکیں۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ۔ جی ناظرین، آج کی یہ خوبصورت ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، جس میں آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ بائبل سوسائٹی کا قیام کب وجود میں آیا۔ ہم نے ملاقات کی یہاں کے جو جنرل سیکرٹری صاحب ہیں پادری اظہر مشتاق صاحب، ان کی زبانی آپ نے سنا کہ بائبل مقدس کا کتنی زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے اور یہاں پر کتنے تراجم موجود ہیں، ان کی ساری ہسٹری انہوں نے آپ کو بتائی۔ تو ابھی مجھے اور میرے کیمرہ مین کو اجازت دیں، اور بائبل میوزیم کا، بائبل سوسائٹی کا آپ ضرور وزٹ کریں۔ شکریہ۔